अक्सर महिलाएं यही सोचती है कि किसी टीवी के कार्यक्रम में मेरा किचन दिखाया जाएगा तो कितना ऑड लगेगा। संकोच तो लगेगा ही, माने या ना माने, पर हकीकत तो यही है दोस्तों, कहीं यार दोस्तों में हंसी ना। अरे भाई हमें ये बताए, जिस किचन में काम होगा वही तो ना छींटे उड़ेंगे। होली हो और रंग न लगे, दिवाली हो और फटाके का धुआं भी न हो, यह धब्बे ही तो पहचान है आपके रसोई की, आपके हाथ के स्वाद का अंजाम। आपकी रसोई वही देखने हम आ रहे हैं, आपके घर आपके संग आपकी रसोई दिखाएंगे हम। मिलते हैं आपकी रसोई में साहित्य टाइम्स पर। आपकी रसोई हमारी रसोई साहित्य टाइम्स पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं तन्नु यादव आपको ले चलती हूँ आप सबकी अपनी रसोई, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही मजेदार स्वादिष्ट खाने की व्यंजने, जिसके कारण आपका घर भी महके और किचन भी इंतार दमदार और सुगंध से भरपूर हो। हमारा यही आशा रहता है कि कम समय में आपको अच्छी सलाह हम दें और अच्छा खाना आपके सामने हम पेश करें। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू और दही से बने हुए स्वादिष्ट और बहुत ही कम समय में बने, तो चलिए इसे हम बनाएं और अपने घर वालों के साथ में खाएं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और टेस्टी सब्जी बनाना बताऊंगी कैसे बनाई जाती है, और इसको मैं आलू और दही से बनाऊंगी। अधिकतर घर में आलू भी होते हैं और दही भी होता है, और आपकी इच्छा है कि आप कुछ अलग हटके सब्जी खाएं तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई करें, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे किसकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। 250 ग्राम मैंने आलू लिए हैं जिसे बॉईल करके छील लिया है। एक कप दही, दही को मैंने फेंट लिया है। ऑयल, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैं छोटे पीस में काटा हुआ है, 1 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग। अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाते कैसे। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसमें हींग डाल देती हूँ, जीरा, और इसको मिक्स कर देती हूँ। गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ, अदरक, कुछ सेकंड के लिए मैं अदरक और हरी मिर्च को भून लूंगी। अदरक हरी मिर्च भून गई है, अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, और इसको मिक्स कर देती हूँ, धनिया पाउडर, कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को हल्का सा भून लूंगी। मसाले भुन गए हैं, अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल देती हूँ और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है, और इसको उबाल आने के बाद इसके अंदर आलू डालूंगी। पानी में उबाल आ गया है और आलू को मैंने हाथ से फोड़ लिया है। आप चाहें तो चाकू से भी इसको काट सकते हैं, लेकिन हाथ के फोड़े हुए आलू की सब्जी ज्यादा टेस्टी बनती है। अब मैं इन आलुओं को सब्जी में डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ। जो बड़े पीस है उसे आप छोटा कर दे। सब्जी में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें दही डाल देती हूँ। दही को आप फेंट के ही डालें और इसको लगातार चलाते रहें जब तक कि सब्जी में उबाल ना आ जाए। अगर हम बीच में चलाना छोड़ देंगे तो दही फट जाता है, इसीलिए आप लगातार इसको चलाते रहें। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और इस सब्जी को स्लो मीडियम गैस पे मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी। पानी आप अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर डाल सकते हैं कि आपको
सब्जी कितनी पतली है या गाढ़ी खानी है आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल करके बना लें। 3 मिनट हो गए हैं, सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ, हरा धनिया। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि मुझे तो ये सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ सब्जी को। आप इस सब्जी को पूरी, पराठे, चपाती, चावल, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप एक बार जरूर बनाइए इसको। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैं सर्व करती हूँ, अब मैं सब्जी में ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है और कितनी जल्दी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। अगर ये सब्जी आपको पसंद आती है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी आप देख रहे थे दही और आलू से बने हुए एक स्वादिष्ट और मजेदार सब्जी। हम आपके बीच में और एक रेसिपी लेकर आए हैं, जो शाम का समय हो और चाय के साथ में खाएं तो बात ही कुछ और है। तो चलिए हम देखने जा रहे हैं आज ब्रेड और आलू से बने हुए क्रिस्पी और मजेदार और कुरकुरे ब्रेड टोस्ट जैसा ही आलू से बना हुआ क्रिस्पी टोस्ट। तो चलिए इसे गर्मा गर्म खाएं चाय के साथ में और मजा लें। आज मैं आपको आलू ब्रेड के स्नैक्स बनाना बताऊंगी, कैसे बनाए जाते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इसे सुबह नाश्ते में या कोई गेस्ट के आने पर भी आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये 3 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं, ये बॉइल आलू है जिसे मैंने छील लिया है। 4 ब्रेडों को मैंने मिक्सी से पीस करके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच मैं मिर्च डालूंगी, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें और नमक भी आप इसमें टेस्ट के अनुसार डाल लें। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने एक बाउल लिया है, अब मैं इस आलूओं को इससे कद्दूकस कर लूंगी। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, बिल्कुल महीन आलू चाहिए हमें इसमें। मैंने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया है, अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर डाल लें। चाट मसाला, लाल मिर्च, अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालूंगी। ब्रेड क्रम्स मैं आलू के हिसाब से डालूंगी, जिससे कि मेरी वो टिक्की अच्छे से बन जाए, उतने ही मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालूंगी। क्योंकि आलू पर डिपेंड करता है, कभी आलू में ज़्यादा है ब्रेड क्रम्स डलते हैं और कभी आलू में कम की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं ब्रेड क्रम्स उसी के हिसाब से डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और डाल देती हूँ। हमें इसका डो ऐसा बनाना है कि जैसे हमारी टिक्की आसानी से बन जाए। मैंने सभी को मिक्स कर दिया है। देखिए हमें ये डो इसी टाइप का चाहिए, जैसे कि मैं अब इसको हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमें ये टिक्की, अगर हमें ये बना के देख लें आप, इजीली बन रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। बस इसी टाइप का हमें डो चाहिए। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, जिससे ये बैटर चिपकेगा नहीं हाथ में। आप चाहें तो इस स्नैक्स को आप गोल भी बना सकते हैं, बिल्कुल गोल चाहें तो गोल बना लें, और अगर इस टाइप से चपटा बनाना चाहते हैं तो आप चपटा बना लें। या आपको कोई और शेप देनी है तो आप इसका इस टाइप से भी शेप इसको दे सकते हैं। देखिए
अब मैं इधर रख देती हूँ। या आप इसकी इस टाइप से शेप देना चाहते हैं, थोड़ा लंबाई में इस टाइप से, तो आप इस टाइप की भी दे सकते हैं इस तरीके से। मैं सभी बना लूंगी, मैं आपको दो तरीके से बना के दिखाऊंगी। देखिए एक इस टाइप के शेप के और एक मैं इस टाइप का। देखिए मैंने ये सब बना लिए हैं, मैंने दो शेप के बनाए हैं, एक ये और एक इस टाइप से। और मैंने गैस पर ऑयल गर्म करने रख दिया है, ऑयल हमें मीडियम चाहिए और ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर इनको डाल देती हूँ और गैस को मीडियम कर देती हूँ। इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूंगी। अब मैं इनको पलट देती हूँ। देखिए मैंने सेक लिए हैं ये, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। हमें इस टाइप की ही चाहिए, इस तरीके से मैं और भी सेक लूंगी। देखिए सिक गए, इनको भी मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे सिके हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप जरूर बनाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लगे। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बनते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप इसे चाय के साथ खाएं। आप इसको दोस्तों कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम, हमें जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी रोज लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें साहित्य टाइम्स।